नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि है मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। चलिए हम सबसे पहले इसके प्लेसमेंट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनियां हैं जो कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीराम बायोसीड, जेनेटिक्स इंडिया लिमिटेड, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, राजीव गांधी मिशन फॉर वाटर सेड मैनेजमेंट, पायोनियर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, धान फाउंडेशन प्रदान एंड बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, हरियाली किसान बाजार एंड मॉन्सांतो एंड वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, रिलायंस डेयरी फूड लिमिटेड, अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समर इंटर्नशिप, रिलायंस रिटेल लिमिटेड डेयरी, सिमिलरली सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे ये सारी कंपनीज हैं जो कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। और यहाँ पे ईयर वाइज अर्ली वाइज प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एकेडमिक ईयर यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2008 to 2009 में 102 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था प्लेसमेंट में। सिमिलरली 2009 से 2010 में 267 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। सिमिलरली 2010 to 2011 में 314 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अलग अलग एकेडमिक ईयर में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनके एवरेज पैकेज के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, उसकी प्रीवियस 3 ईयर्स की प्लेसमेंट्स की डेटा दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द एकेडमिक ईयर 2017 to 2018 में टोटल स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए थे 322, और उसमें से 95 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी? 1,40,000, जो कि बहुत ही कम है एवरेज सैलरी। और हायर स्टडीज के लिए कितने बच्चे गए थे? 114, ठीक है। सिमिलरली 2018 to 2019 वाले एकेडमिक ईयर में 301 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें 83 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था और उनकी एवरेज सैलरी 1,72,000 थी, और 127 स्टूडेंट दैट इज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट चले गए थे हायर स्टडीज के लिए। सिमिलरली एकेडमिक ईयर 2019 to 2020 वाले में 47 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से कि 3 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, उनकी एवरेज सैलरी 3 लाख थी और 33 स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए चले गए थे। और चलिए हम देखते हैं पीजी प्रोग्राम दैट इज मास्टर्स प्रोग्राम में प्लेसमेंट्स कितना था। यहाँ पे देख सकते हैं 2017 to 2018 वाले एकेडमिक ईयर में 85 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, जिनकी एवरेज सैलरी 2,16,000 थी और 12 हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। सिमिलरली 2018 to 2019 वाले एकेडमिक ईयर में 135 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, इसमें 78 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा था और उनकी एवरेज सैलरी लगभग 2.5 लाख थी, दैट इज 2,44,000। सिमिलरली आप देख सकते हैं 2019 to 2020 ईयर में आपके 10 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था और उनकी एवरेज सैलरी 3 लाख थी, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इनके फी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फी स्ट्रक्चर आपका एकेडमिक सेशन 21 से 22 वाले, दैट इज लेटेस्ट ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए फी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, यहाँ पे पीएचडी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस टू बी लिव्ड फॉर पर सेमेस्टर हॉस्टल एंड नॉन हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पे पर सेमेस्टर फी यहाँ पे दिया हुआ है, ट्यूशन फी यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या हॉर्टिकल्चर के लिए ये है, मेडिकल फी और स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फी, ये सारे किस किस चीज के लिए फी आपके भरने हैं पर सेमेस्टर यहाँ पे दिया हुआ है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, और इस कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है मास्टर्स के लिए, और इस कॉलम में पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस फॉर हॉस्टलर पर सेमेस्टर, और हॉस्टल के लिए पर सेमेस्टर फी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल डबल ये सारे चार्जेज आपके दिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एक बार ये फी आपको पे करने हैं, यहाँ पे आप दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। इस कॉलम में यूजी प्रोग्राम है उसका फी है, इस कॉलम में आपका पीजी प्रोग्राम है, और इस कॉलम में पीएचडी प्रोग्राम है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी सारे कुछ फी है जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक बार आपको देने ही है, अलग अलग कोर्सेज अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट के लिए, यूजी पीजी और पीएचडी के लिए। सिमिलरली एनुअल फी फॉर हॉस्टल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कितने देने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट इन बायोटेक्नोलॉजी अगर एमएससी करना चाहते हैं उसका फी अलग दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके एडमिशन के बारे में, कैसे इसमें एडमिशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इनके अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है। ये बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं, बाई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश, इस बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और इसी के थ्रू आपका इस यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज है उसके उसमें एडमिशन किए जाते हैं। और उस प्रोफेशनल बोर्ड का नाम शॉर्ट में यहाँ पे VYAPAM भोपाल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें ICAR के थ्रू भी मतलब एडमिशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय ICAR एंट्री टेस्ट शैल बी एडमिटेड ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब सीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे सीट्स होगा, सीयर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ICAR एंट्रेंस टेस्ट से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको टाइम टू टाइम यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, इनकी जो भी क्राइटेरिया है उसके अनुसार, ठीक है। तो आज हमने देखा बेसिकली इस राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है, इसके इसमें इसके एडमिशंस कैसे होते हैं, इसका प्लेसमेंट्स क्या है, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।